गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंग्लिश लिट का चैप्टर 2 कंप्लीट रीड करेंगे। अभी तक हमने पेज नंबर 10 तक रीड कर लिया था, आज हम पेज नंबर 11 से रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें और पेज नंबर 11 पर आ जाएं। अभी तक हमने स्टोरी में क्या रीड किया था? अभी तक हमने स्टोरी में रीड किया था कि एक राजा होता है जो कि एक बार क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। और राजा जब बीमार हो जाता है तो किसको बुलाया जाता है? डॉक्टर को बुलाया जाता है। और राजा के पास कौन होता है? 9 रत्न होते हैं, मींस 9 जेम्स होते हैं जिनको कहा जाता है रत्न। उसमें से एक कौन था? बीरबल। अब जिस डॉक्टर को बुलाया जाता है वो डॉक्टर बीरबल को पसंद नहीं करता। तो वो डॉक्टर क्या सोचता है, कि क्यों ना इस बार बीरबल को सबक सिखाया जाए। तो वो क्या करता है, जब राजा बीमार हो जाता है तो राजा से कहता है कि मेरे पास आपकी बीमारी के लिए एक मेडिसिन है जो कि आपको पहले की तरह स्वस्थ कर देगी। तो राजा ने पूछा, बताओ क्या मेडिसिन है, क्या दवाई है? तो जो डॉक्टर था उसने कहा कि जो मेरे पास मेडिसिन है वो किससे लेनी है? बुल के मिल्क से, मींस सांड के दूध से। अब सांड का दूध तो मिलना मुश्किल है। ये चीज़ें सुनकर बीरबल क्या हो गया? पजल्ड हो गया। मींस वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सांड से मिल्क मिल सकता है। तो अब ये सोचकर जो बीरबल होता है वो अपने घर आ जाता है निराश होकर, बिकॉज उसको पता था कि जो डॉक्टर है वो उसको पसंद नहीं करता और कहाँ से राजा के दरबार से निकलवाना चाहता है। सो वो आकर घर पर आकर अपनी बात अपनी बेटी को बताता है, तो बेटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेती है। सो अब उसके आगे का हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। थवाक अकबर कुडंट हेल्प स्कॉल्डिंग हिज गार्ड एंड सेंट हिम टू फाइंड आउट द पर्सन मेकिंग सो मच नॉइज इन द नाइट। अकबर ने अपने गार्ड को डांटा नहीं बल्कि उससे कहा, गार्ड होता है सैनिक, उससे कहा कि जाओ देखकर आओ इतनी रात को कौन इतनी आवाज़ कर रहा है। द गार्ड रीच्ड द स्पॉट, हावर टू हिज सरप्राइज ही सो डेट अ लेडी वॉज वॉशिंग हर क्लोथ्स। गार्ड उस जगह पर गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी और गार्ड ने वहाँ पर क्या देखा, वहाँ पर देखकर एकदम शॉक हो गया, मींस अचंभित हो गया कि वहाँ पर एक लेडी मींस एक औरत क्या कर रही है, कपड़े धो रही है। द गार्ड आस्क्ड हर स्टैनली हु आर यू। गार्ड ने मींस सैनिक ने उस लेडी से पूछा, सख्ती से उस लेडी से पूछा, कौन हो तुम? द लेडी रिप्लाइड, आई एम माई फादर्स डॉटर। उस लेडी ने कहा कि मैं अपने पिता की बेटी हूँ। द गार्ड आस्क्ड इम्पेशेंटली हु इज योर फादर। गार्ड ने बेसब्री से पूछा, कौन है तुम्हारे पिता? शी सेड, ही इज माई मदर्स हस्बैंड। उस लेडी ने कहा, वह मेरी माता के पति हैं। बींग इम्पेशेंट एंड इरिटेटेड द गार्ड थॉट ही would hardly collect any information from her this way. Guard ने सोचा इस तरह के अटपटे जवाब से तो कुछ भी information नहीं मिलेगी, हो सकता है रास्ते में जब हम जाएं राजा के पास सब वो उसको लेके जाता है तो वो सोचता है कि जब मैं राजा के पास इसको लेकर जाएंगे तो हो सकता है रास्ते में कोई information, कोई जानकारी हमें मिल जाए। So he told her to appear before the emperor. अब वो राजा के पास ले जाता है और राजा से कहता है कि ये है वो लेडी जो शोर कर रही थी आधी रात में।
When the girl appeared before the emperor, Akbar asked her, "Why were you washing clothes in the middle of the night?" अब वो जो लेडी थी वो राजा के सामने आ गई. अब राजा जो है, अकबर जो है, वो कौन है राजा, वो उससे पूछते हैं लेडी से कि तुम इतनी रात को कपड़े क्यों धो रही थी. योर मैजेस्टी, आई बेग योर पार्डन बिकॉज आई कुड नॉट हेल्प इट. मैजेस्टी कहते हैं किसको, महाराज को. आई बेग योर पार्डन बिकॉज आई कुड नॉट हेल्प इट. मुझे माफ़ करना, मैं उनकी मदद नहीं कर पाई. आई नीडिड क्लीन क्लोथ्स फॉर माई फादर हु हैड गिव बर्थ टू अ बेबी. शी सेड, उसने कहा, मुझे साफ कपड़े चाहिए अपने पिता के लिए जिन्होंने अभी एक बच्चे को क्या किया है, जन्म दिया है. अकबर वॉज इन अटर एस्टोनिशमेंट. अकबर ये सुनकर अचंभित हो गया, मतलब वो सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे कि कोई फादर बच्चे को जन्म दे सकता है. द गर्ल रिप्लाइड, योर मैजेस्टी, नथिंग इज इम्पॉसिबल दीज डेज. लड़की ने कहा, महाराज, आज के समय में कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है. इफ़ अ बुल कैन गिव मिल्क, वाई कांट अ मैन गिव बर्थ टू अ बेबी. अगर एक सांड दूध दे सकता है तो एक आदमी बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकता. As soon as Akbar heard this explanation, he instantly guessed who she was. Such a clever and witty girl could only be Birbal's daughter. ये उसकी बातें सुनकर राजा ने सोचा कि इतनी चतुर चालाक लड़की कोई और नहीं हो सकती, केवल किसकी बेटी हो सकती है, केवल बीरबल की बेटी हो सकती है. ही लाफ्ड एंड सेड, यू वॉन. राजा हंसने लगा और राजा ने कहा, तुम जीत गई. नाउ यू गो होम एंड इन्फॉर्म योर फादर डेट आई एक्सेप्टेड माई डिफीट. राजा ने कहा, अब तुम अपने घर जा सकती हो और अपने फादर को, मीन्स अपने पिता से कह सकती हो कि मैंने अपनी हार मान ली है. She bowed her head to the emperor and happily left for home. उसने, लड़की ने राजा के सामने अपना सर झुकाया और खुशी खुशी वहाँ से चली गई. अब आज हमारा चैप्टर 2 ये पूरा कंप्लीट हो चुका है. इसको आपको घर पर अच्छे से रीड करना है, समझना है, और जो इसका कार्य दिया जाएगा उसको अपनी कॉपी में सफाई से करना है. थैंक यू.